नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छठवीं JPSC का जो प्री एग्जाम का दूसरा पेपर है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। दोस्तों, ये सेट्स ए है। इसका दोस्तों पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में इनमें ऐसे कौन मुंडा जनजाति के भुइयारी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे? तो दोस्तों इसका जो आंसर है पाट मुंडा। नेक्स्ट है, नागवंशी राजा शासक राजा दुर्जन साल 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि जो है क्या थी? दोस्तों इसकी जो राशि थी ये थी 6,000 रुपये। नेक्स्ट है, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहिती एवं लौकिक प्रधान कौन होता था? तो दोस्तों जो लौकिक प्रधान होता था बैगा। नेक्स्ट है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? तो दोस्तों इसका उप प्रधान था पारानिक। नेक्स्ट है, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो फ्रेंड्स ये थॉमस विल्किंसन ने दिया था। नेक्स्ट है, कौन सा कथन ढोकलो सोहर महासमिति के लिए सही नहीं है? तो फ्रेंड्स जो पंचायती राज का समर्थन किया ये सही नहीं है और सभी सही है। नेक्स्ट है, किसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको भूइहास हारस जो है बोलते हैं। नेक्स्ट है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य है? तो ग्रामीण देवताओं को शांत करना, मतलब पुजारी होते हैं बैगा जनजातियों में। नेक्स्ट है, झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो फ्रेंड्स जो है खेती करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समूह समुदाय से विलुप्त हो गया है? तो फ्रेंड जो असुरी है वो विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त हुआ? तो ये तिलका मांझी जी को। नेक्स्ट है, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था? तो दोस्तों ये अलबर्ट एक्का जी को। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी फोटो सरदार था? तो ये जो है मुंडा। नेक्स्ट है, मारंग गोम को किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये जो है जयपाल सिंह जी को कहा जाता है। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये राम नारायण खलगो थे। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पूर्वी सिंहभूमि में है। नेक्स्ट है, सोहराई त्यौहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? तो ये जानवर धन। नेक्स्ट है, बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं कौन से जिले को उपराजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया? तो दोस्तों जो दुमका है उसको। नेक्स्ट है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया? तो दोस्तों ये क्लीवलैंड। नेक्स्ट है, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों बुपला। नेक्स्ट है, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था? तो फ्रेंड इसका आंसर है कुकमू। नेक्स्ट है, लांगड़े क्या है? तो दोस्तों ये लांगड़े जो है एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट है, कजली कब गाया जाता है? कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट है, टांगीनाथ केंद्र था तो ये कहाँ था? तो ये क्या था? तो फ्रेंड्स ये जो है पशुपता संप्रदाय जी का था। नेक्स्ट है, दुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? तो फ्रेंड जो उराव जनजाति होती है उनकी सामाजिक संस्था है। नेक्स्ट है, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो रणेंद्र जी हैं। नेक्स्ट है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं? तो ये सुलेमान मुर्मू। नेक्स्ट है, खेरवाल बांसो धोरोम पुथी के रचयिता हैं? तो दोस्तों मांझी रामदास टुड्डू। नेक्स्ट है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं? तो ये जो है रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट है, किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? तो ये राधाकृष्ण। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की ISM, फिर दोस्तों इसमें ISM की स्थापना हुई थी, तो ये ISM धनबाद जो है उसकी स्थापना कब हुई थी आपको बताना है, 1926 में। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस
विश्वविद्यालय से अलग करके हुई थी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये बिहार विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट है, XLRI जमशेदपुर की स्थापना की थी, तो ये किसने की थी, तो सोसाइटी ऑफ जीसस। नेक्स्ट है, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, तो फ्रेंड्स ये निक्की प्रधान जी हैं। नेक्स्ट है, सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये दीपिका कुमारी जी। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर छुआ था। शिशु हिरण। नेक्स्ट है, झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की, प्रेमलता अग्रवाल। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित है बोकारो। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जाति जनजाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है 40 की धारा के अंतर्गत। धारा 40 के तहत बेदखली के समय वर्ष किसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रह रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा, तो दोस्तों ये 12। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71A में जो अनुसूचित जनजातियों के गैरकानूनी रूप से अंतरण के लिए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करता है, उसे कानून द्वारा डाला गया, तो ये बिहार अनुसूचित क्षेत्र नियम 1969। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को, तो दोस्तों पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अवर्जित हैं। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत वहीं आरी रहती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है, तो ये भूत खेत को। नेक्स्ट है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रहत ना हो, कोई मुखिया ना हो। नेक्स्ट है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद मतलब नॉन ट्रांसफरेबल है। नेक्स्ट है, संताल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज किया नहीं किया गया वो मूल रहत का जोत या मूल रहती जोत माना जाएगा, दोस्तों इसका आंसर है 10। नेक्स्ट है, संताल परगना अधिनियम काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें वर्ष तक कृषि न किया गया हो, तो ये 5 इसका आंसर है। नेक्स्ट है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को SDO और मुखियास या मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है, तो ये सभी। और फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन है, जो PPP मॉडल होता है उसके लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के अंतर्गत है, तो फ्रेंड 70। लास्ट दोस्तों 50वां क्वेश्चन है, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन पुनर्स्थान अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाएगा, तो ऊपर के सभी ये सभी हैं दोस्तों। भूमि रिकॉर्ड में भूमि स्वामी देण, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, पट्टा अधिकार का मालिक, तो ठीक है फ्रेंड्स ये